प्रदम ब्रह्मा शंभुफणि दृश्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वर शुरूरम माया मनुष्यं हरि वंदे गया। आज तो मेरे पर बहुत बड़ी कृपा करी महाराज, दर्थे दर्शन देकर तो मेरा जन्म ही सफल कर दिया। क्यों है सेठ? दुआरू हाँ जी, आज दुनिया को हुकम हो है। क्यों? और इबारी दर्शन देकर गया है और बोला है। क्यों बोला है सेठ? बोला है बंबई में पंडित गणेश नारायण जी की स्थापना करनी है। सेठ जी, स्थापना तो करनी है लेकिन के रूप में करनी है? जन सेवा को आदेश है। मेरा चाचा है बंबई में, आप ठंडा पानी की व्यवस्था करा और जगह जगह पे आऊ खोला और जनता जनार्दन के लिए बढ़िया और सस्ता भोजन की व्यवस्था करा और गरीबा की कई रूप से मदद करा। क्यों तारे के सच्चा है? जचना की बात है, शुभ काम हुआ देवी क्या की कोई कहना। पंडित जी की फोटो भी मिल सका है? फोटो तो अपने बाबूलाल जी का मिल सका, वह चिड़ाव जाकर आया है। Yeah.
भगवान, हर तक कोड़ा भी टूट गया, यो दरबार भी बंद है, अब कटे जाओ। राम राम जी, क्यों थकेड़ा सा लागो, थोड़ो आराम कर लियो, पचे भोजन कर लियो। आराम ही तो कोनी लिखियो, भगवान की मर्जी, एक जवान टापर पोही कारा से चले कलकत्ते से आया, भगवान ही जाने वो कटे कद मिले तो। अतरी बड़ी बंबई में कटे ढूंढोगा, बावड़िया बाबा का एक नामी भगत आयोड़ा है, बैठे चले जाओ, बावड़िया बाबा जरूर कोई न कोई रास्ता बता देगा। के को बावड़ियो बाबा बता देगो, मेरे छोरो खटे है, मन मेरे छोरो मिल जागो, जरूर बता देगा, थारे घरा भी भेज देगा। आज बृहस्पतिवार है, बाबा जी को वार है, बाबा का दरबार में चले जा। रिझाने आया हूँ, हे नील वसन धारी योगी, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। अवधूत 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 कृपा के सागर में संतप्त नहाने आया हूँ। कलुषित काला है, तुम शुद्ध भाव के ग्राहक हो, मेरा मन कलुषित काला है। बिखरे बिखरे कुछ भाव बटोरे हैं, संभार संजो कर लाया हूँ। अवधूत कृपा के सागर में संतप्त नहाने आया हूँ। छोटा है फिर बड़े चढ़ाऊं तो कैसे, मेरा मन इतना छोटा है फिर बड़े चढ़ाऊं तो कैसे। उर्द्वार उर्द्वार लघु दीप जलाने आया हूँ। अवधूत कृपा के सागर में संतप्त नहाने आया हूँ।
के पास नहीं। प्रभु के प्रिय जो तांबेश्वर था वो भी सेवक के पास नहीं। श्री संत चरण पर श्रद्धा के दो फूल चढ़ाने आया हूँ। अवधूत कृपा के सागर में संतप्त नहाने आया हूँ। शब्द ब्रह्म के ज्ञाता तुम घोरी थे मंत्र अघोरी था। थे शब्द ब्रह्म के ज्ञाता तुम घोरी थे मंत्र अघोरी था। डे डे परम प्रिय था डे डे ही जपने आया हूँ। अवधूत कृपा के सागर में संतप्त नहाने आया हूँ। प्यास बुझी किसकी। संसार समंदर खारा है उस जल से प्यास बुझी किसकी। हंडिया हंडिया के अभी मंत्रित जल से मैं प्यास बुझाने आया हूँ। अवधूत कृपा के सागर में संतप्त नहाने आया हूँ। हे नील वसनधारी योगी मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। अवधूत कृपा के सागर में संतप्त नहाने आया हूँ। आओ। हाँ हाँ ले भाई। हाँ तन्ने पहली भाई ले बेटा। हाँ ले। हाँ ले भाई ले। तू बहुत बहुत दुखी लगे है। बाबा की शरण आयो है। अब तो बाबा को आश्रय है। बाबा पीछे ई द्वार से निराश कोई को नहीं जा।
बोलो बावड़े पंडित जी महाराज की जय। गर्मा गर्म बड़ा ले आयो, खाओ महाराज। बीपी और ऑफिसो कठे से ले आऊं, चलना ही बंद हो गया। पुजारी जी, यह बात समझ में कोनी आई, पंडित जी बीबी और ऑफिसो क्यों लेता? पंडित जी भगवती का उपासक था, बीबी का पीसे को मतलब विक्टोरिया महारानी की फोटो वालो पीसो, बह नहीं बह भगवती को रूप समझा करता, ऐ खातर बीबी वालो पीसो ही लेता। ओ यह बात है, पर एक बात तो बताओ पुजारी जी, पंडित जी ने लोग बावलियो पंडित क्यों बोलता? के पंडित जी बावला था? बावला विद्वान था प्रकांड पंडित, अपा ही बावला। हाँ बावला ने तो बावलो ही दिखा, अरे पंडित जी तो त्यागी समदर्शी उपासक साधक ब्रह्मज्ञानी ओलिया फकीर अगोरी सत्यवादी परमहंस था। पर ये हाकुड़ महाराज, न्योलगढ़ करना एक बुगालो गांव है, पंडित श्री घनश्याम दास जी का बड़ा लड़का श्री गणेश नारायण जी था, वह शिव जी की पूजा करता और गुरु की सेवा करता। तो थारो छोरो ग्रह से भागे, पन भाग के कठे जाएगो, थे उरे दरबार में खड़े हो और थारो छोरो बैठे बाबा के दरबार में बैठे है। थारे आने के पहले सुई बाबू भी ना आपके कन्ने बिठा रखे है, थे जाओ थारो छोरो ग्रह पूछ जाएगो, बाबा की थारे पर महक होगी। जय हो बाबा, जय हो तेरी। बोलो ना दे दे। ले माई ले, बोलो डे डे, बोलो डे 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 डे। अजी पुजारी जी, बढ़िया पंडित जी महाराज ठाकुर है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। तुम्हारी तरह यहाँ बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बाबा के बारे में जानने को उत्सुक है। बाबा का जीवन चरित्र बड़ा चमत्कारी व सुखदायक है, जो उसको पढ़ता है अथवा सुनता है उसके जीवन के सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बुगाला। बुगाला नवलगढ़ से 12 मील दूर पूरब में स्थित है। संवत 1903 पोष कृष्णा प्रतिपदा गुरुवार के दिन हमारे लीला नायक अवतरित हुए। परमहंस जी का उच्च कुल विद्वान एवं बार में जन्म लेना ये सिद्ध करता है कि बाबा पूर्व जन्म में भी योगी थे। गत जन्म की अधूरी साधना को पूर्ण करने के लिए बाबा को पुनर्जन्म लेना पड़ा।
डै डै ढमरू बजाओ दाता थैया नाच दिखाओ शिव शिव रटता रहूं निरंतर ऐसी मेरे लगन लगाओ तू ही मुझको लागे प्यारा तू ही तो है मेरा सहारा तुझको ही मैं अपना मानूं तेरी महिमा मैं क्या जानूं तेरी महिमा मैं क्या जानूं कट में ज्योति जलाए देवो तिमिर भगाए बाबा करो सहाय अंतर पट खुल जाए ओम नमः शिवाय 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 गुरुजी सत्य कहीं छे बेटा सत्य पर ही यह सारी दुनिया टिकरी है सत्य बोलनो ही तप करने के समान है पण सत्य मधुर बोलनो चाहे कठोर सत्य दूसरे ने दुख भी दे सके सत्यम ब्रूयार्थ प्रियम ब्रूयार्थ न ब्रूयार्थ सत्यम अप्रियम गुरुजी दया कहीं छे दया मानवता को सबसे बड़ा आभूषण है बेटा प्रत्येक मनुष्य के मन में जीव मात्र के प्रति दया की भावना रहनी चाहिए गुरुजी शक्ति कहीं छे भगवती दुर्गा ही आदि शक्ति है बेटा मां जगत जननी है पालनहार है दयालु और वरदानी है मां को अभय हाथ सिर पर होया पाछे संसार में क्या को डर गुरुजी कौन से विधि श्रेष्ठ मानो छो बहुत बढ़िया प्रश्न करियो बेटा भगवान ने कोई साकार माने हैं कोई निराकार संता के जीवन में उपासना की कई विधि है एक विधि अघोर भी है अघोर विधि जाओ बेटा इब्ते थारो काम करो प्रणाम गुरुजी अघोर विधि या कहीं छे बैठ बेटा गणेश तू अघोर विधि के बारे में पूछ रहे हो ना हाँ गुरुजी अघोर विधि सब विधियां से कठिन है पर ऐ साधना से बहुत जल्दी सफलता मिले अघोरी के लिए धानो धोनो बिल्कुल वर्जित है न कोई से द्वेष न कोई से प्रेम कोई भी चीज में फर्क नहीं समझे अमृत और जहर अघोरी के लिए दोनों समान है ये बहुत ऊंची बात है बेटा अरे हाँ मैं सुनी तू भी कोई पद बनाया है पद क्या का गुरुजी ये तुकबंदी कर रखी छे तो तुकबंदी सुना दे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान आई तुकबंदी करतो करतो एक दिन महाकवि बन जागो सुना थारी आज्ञा छे तो सुनो पल में पवन घनेरी चलती पल में पत्ते हले न चल पल में पंछी उड़ते देखे पल में आए कटा दे गल पल में कूप तलाब सुखा दे पल में कर दे जल ही जल पल भ
भर में वो भीख मंगा दे जिसके लारे लश्कर दल पल भर में वो राजा कर दे जिनका कर दे भारी बल पल भर में वो एक बना दे पल में कर दे दल ही दल कहते हैं करता से डरिए करता लावे घड़ी न पल घड़ी घड़ी न पल घड़ी न पल शाबाश के दार्शनिक पद बनायो है यही तो सत्य है मन तेरे ऊपर बहुत अभिमान है बेटा तू जरूर गुरु को नाम रोशन करेगो तेरो यश और कीर्ति एक दिन संसार में जरूर फैलेगी जा बेटा तू इब साधना कर जो आज्ञा गुरुजी आयुष्मान भवा होनहार बलवान युवक गणेश दिन पर दिन विरक्त होता गया पुत्र की विरक्ति देखकर विद्वान पिता चिंतित हो उठे उन्होंने पुत्र को मोह माया की बेड़ियों में बांध दिया और आज की रोटी को आटो थो माथन ने बना दी काल घर में क्यों नहीं छे देवी भगवती को भरोसा राख रोटियां खाई पड़े छे तू खाई कोनी आदि तेरी आदि मेरी भगवती पालनहार है मैं दो दिन से भूखा हूं एक रोटी का टुकड़ा मिलेगा अच्छा बैठा जाऊं आयो बाबा ठहरो ले बाबा राम जी तारो बलो करगो मेरी जान बचा ली मेरा प्राण निकल था भगवान तारा राजी रखे जुग जुग तारे कृपा छे प्रणाम महाराज मैं ता नहीं ढूंढ रहा था मने क्या की प्रणाम करो छो मैं तो थारो टावर छू आओ आओ मान पधारो हरे कृष्णा आओ मुनिम जी बैठो ते ब्राह्मण हो पूजनीय हो बाड़िया तू सदा ही हाथ जोड़ता है बात यह है महाराज बंबई से सेठ चौखाने जी की चिट्ठी आई है अच्छा उन्होंने नवरात्र बिठाने को विचार करे है थारो नाम विशेष कर लिखे है उनके छोटे बेटे की तबीयत नरम है नवरात्र था नहीं करना पड़ सी यह तो बहुत बढ़िया बात है भगवती का गुणगान करनु तो भागी को काम छे पण एक बात छे मुनिम जी मैं एक नयो प्रयोग करनु चाहू छु और पीछे सेठ छोरे के खातिर नवरात्र करा रहे छे क्यों मेहनत करनी पड़ेली मैं तो मारे मन का नवरात्र कराला थाने मंजूर हो तो ठीक नहीं तो कोई दूसरो पंडित देखो नहीं नहीं जी
नवरात्र तो धारा से ही कराना है। बोलो थे क्या करना चाहू? एकदम एकांत शांत स्थान पर नवरात्र बैठना। 9 दिन तक न कोई आवे लो न कोई जाओ लो। 9 दिन मैं आप ही बाहर ना जाऊंगा। 9 दिन तक कोठड़ी का कुआड़ बंद रहेगा। ऐसा कोई विघन नहीं पड़ना चाहे। अगर मंजूर हो तो बोलो। माने तो मंजूरी है महाराज, पर इतना कल डालू रहा था। 9 दिन तानी कोठड़ी में बंद, न नानू न धोनो न खानो न पीनो, बहुत कठिन काम है महाराज। क्या वो कठिन काम छे? हैं? आपको तो भगवती का दर्शन कराला। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। अथ देव्यः कवचम्। ओमस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः। चामुंडा देवतांग न्यासोक्त मात्रो बीजम्। दिगबंध देवतास्तत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरां राम। यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मवाच। अस्ति गुह्यत्वं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुनि। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं। पंचमं स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनीति च। सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं। नवमं सिद्धिरात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तितः। मेरा मटा बाणिया भी बहुत स्याणा होगा। माला मणिया तो दूर जीवाणु तो थानो ही छोड़ दियो। रो नाइडा, अरे कईया चौफाड़िया हो रहे है, इसी के जल्दी हो रही है। अरे गांव की कोई नई खबर बता, तू तो गांव को खबरने से। महाराज मन्ने कठे पुरसत है, मारे से ठाके नवरात्रा बैठाए। ऐसा नवरात्रा मैं तो मेरी जिंदगी में कौन देखा। 9 दिन तानी कोरड़ी में बंद रहकर नवरात्रा करसी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा विद्वान पंडित क्या को है? कोई सेवड़ो है? गांव में मारे से उच्च पंडित कौन है? सारी संस्कृत में घोट कर पी रखी है, तू कौन सा पंडित की बात कर रहा है? फेतो जिमणिया पंडितो जिमणिया, नारायण बोली ने छोड़ के कौन सा अनुष्ठान कराये हो? नाइडा क्यों सिर से खोज कर रहे है? अरे वो काल को जायड़ो गणेश मारी के उड़ करे गो किसान और यात्रा करे है। बैको बाप गांव के बाणिया ने बुला रखा है। नाइडा मोरिया बोलता ही दिखेगा। एमे मेरो के दोस्त है महाराज, गणेश जी ने तो नवरात्र मुनीम जी बताया है। अब मन ने तो जान दो देर हो रही है। वह मुनीमड़े की तो मैं खाट खड़ी कर दूंगा। तू तो मारी बढ़ाई कर और वह गणेश की बुराई कर। इब नवरात्रा में बिघन गेरनू बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपा ने गुण पूछा गो। हरे कृष्णा, 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 कमाल है। न हवा न पानी न जंगलो न मोरी, बड़ा विचित्र नवरात्र कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चेहर तो बंबई जाके बैठ का, मैं बुढ़ा आदमी के संभालू? सारो काम मुनीम पर गिर दियो। खेती बाड़ी को संभालू, नोरा बाड़ा को संभालू, गाय भैंसा को संभालू,
घर में नौकरी इतना कृष्णा पाला को पंडित जी मारा के लागे गो पूतीब तो पिंदा ही लागे गो मुनिमड़ा क्यों बामणा को बेरी हो रहे है क्यों महाराज मैं की कर दियो मने बामणा को बेरी किया बतायो तू एक बामण ने जरूर मारा गो कोटड़ी में बाड़ दियो कोटड़ी का ना जंगलो है न मोरी गुटका मर जागो और पाछे बामण तने जीण देगा तू जानबूझ के मौत में हाबड़ा गालिया मुनिमड़ा इब तेरी मौत भी पक्की अमे मैं की कर सकूं महाराज मैं तो आपकी मर्जी से सारा काम कर रहा है अमे मेरे के दोष है अरे ब्रह्म हत्या को दोष कमती को नहीं हुआ है तेरी टाबरी रुड़ जाएगी मैं तो जत्ते ने समझा रहा हां मान लो साहब मेरे कहने से बामण मान भी जाएगा पर पुलिस हथकड़ी गाल के काल कोटड़ी में देगी जद मेरो पड़ जागो सेठ जी सारा काम कराए है अमे मैं की कर सकूं अरे तो सेठ जी के अच्छे काम करयो है सेठ जी ने गांव में कौन पड़न देगो सेठ जी तने नवरात्रा बठाण की कही थी कोई बामण की हत्या करने की थोड़ी कही थी पच्छे भाया तेरा हाँ जतने कमा हाँ पुलिस का आगे मैं भी के कर सका हाँ तू तो भाया मोट के सागे गुणपीस को रहे अमे मैं के कह सकूं आज पंडित जी ने कोठरी में बढ़िया 5 दिन होगा मैं बैठे से ही आ रहे हूँ कोठरी में से तो कुछ भी आवाज को नहीं आ रही अरे आवाज कड़े से आ गई थी मन ने तो भाया सलट को दिख है अरे ईद भी कुछ नहीं बिगड़े है खाती ने बुला ले तू कोटड़ी में कितना एक दिन भूखो रह सके है मेरी तो एक दिन में ही जा निकल जाए जब वो बामण के लोग बनेड़ो है आज 5 दिन होगा तू तेरे सिर पर बार क्यों ले है ठीक है 2-4 दिन और टापरी में रह ले नहीं नहीं महाराज मैंने बचा लो ठेको का जी कर लूंगा मेरी रक्षा करो महाराज मैंने बचा लो अरे तू क्यों घबरा हुआ है मैं जीवता बैठा ना तेरे बाली बाग को नहीं होने देवांगा कोई सुन नहीं ले वरना कोटड़ी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होगा है जा खाती ने बुला के लिया गांव में बेरो नहीं पड़ जा खाली तू और मैं चल आज रात में काम सलटा दिया हरे कृष्णा तेरे साथ हूँ चल हो आगे मैं चल कृष्ण घबराए मत अरे खाते का मुंडो के पड़ा है हो आगे कुंवर भी तोड़ना पड़ सके है होशियार रहे पंडित जी ओ पंडित जी अजी कुंवर खोलो मैं मुनीम हूँ अजी कुंवर खोलो अजी हो गए जी महाराज अजी कुंवर खोलो 5 दिन होगा मैं बढ़िया मन्ने तो पंडित काम आयो दिख है अब के करा मुंड फोड़ा करांगे खाती ने बोल कुआर तोड़े अरे खातीड़ा मुंडो के देखे तोड़ कुआड़े कुआर लो का है चूड़िया उतार अरे चल दिख
छुपी है कहाँ तू अम्बे भवानी, कहाँ ढूंढू मैया खप्पर वाली, कहाँ ढूंढू मैया खप्पर वाली। ज्वाला विशाला लाल लपटों वाली, ज्वाला विशाला लाल लपटों वाली, छुपी है कहाँ काली खप्पर वाली, छुपी है कहाँ काली खप्पर वाली। चंद्र घंटा चौथी कुष्मांडती, पांचवीं स्कंद माता छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री नव दुर्गा भवानी, छुपी है कहाँ तू अम्बे भवानी, छुपी है कहाँ तू अम्बे भवानी। छुपी है कहाँ तू अम्बे भवानी, छुपी है कहाँ तू अम्बे भवानी। छुप गई तू अम्बे भवानी, कहाँ छुप गई तू अम्बे भवानी, कहाँ छुप गई तू, कहाँ छुप गई तू, कहाँ छुप गई तू, कहाँ छुप गई तू।
साधना और आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये मायावी संसार से तो पूर्ण रूप से विरक्त है। शिव को ध्यान कर शिव में लीन हो जा। शिव मेरा हृदय है, तू मेरे हृदय में समा जा। डे 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 मंत्र को जाप कर और शंकर में लीन हो जा। तेरो कल्याण होवेगो, जा कल्याण होवेगो, कल्याण होवेगो। रात्रि पूजा में विघ्न पड़ने से पंडित जी संसार की मोह माया छोड़ दी। पत्नी सोनंदी और दो छोटी छोटी बच्चियां भगवती के आश्रय पर छोड़कर पंडित जी घर त्याग दियो। सारो परिवार पंडित जी ने बहुत समझायो, पर संसार की कोई भी मोह माया को बंधन पंडित जी ने कोनी बांध पायो। पंडित जी की सारी गृहस्थी को भार पंडित जी को छोटो भाई शिव नारायण संभाल लियो। पंडित जी अघोर पंथ धारण करके विचरण करन लग गया। लोग पंडित जी ने बावलो समझन लग गया। और एक दिन घूमता घूमता शिवनगरी चिरावे पहुंचा। Did it,
मुर्दा पर काई ने चो पर कराई छे ओ तो फुटगो 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 मुर्दा संभाल कर बोल के बोले है राम मरया फुटगो 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 के बात है भाभी फुटगो यो बाबा जी उपचुक बोले है मैं तो नयो चूड़ो पैर के आई और यो खैर उजाड़ होगो बात बात का है मोड़ा की के कमी है क्यों रे फंडी एकली लुगाई ने देख के डरावे है के अरे क्यों मूलिया क्यों हो जल्दी से बोल के बात जल्दी से करा चाल कलकत्ता से तार आए ताऊजी मर गया।